हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, तो आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, सुबह बज रही है 11 और फाइनली नहा धो के रेडी हो चुके हैं मस्त अपना, और अभी हम आ चुके हैं मंदिर के पीछे। मतलब पूजा तो कर ली है, पूजा आधे घंटे पहले कर ली, और खाना भी हो चुका है। और अभी हम आए थे बैर खाने के लिए, क्योंकि इधर का बैर ना अभी एक भी नहीं खाया है, मंदिर साइड का खा लिए अपने, जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे भी बैर खा चुके हैं, बट इधर का अभी एक भी नहीं खाया। और पहले ना हम लोग उधर का छोड़ के बैर और आते थे इधर खाने के लिए, और इधर अभी इन साल ना एक भी बैर नहीं खाया। पता है क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे ना जो पेड़ है ना यहाँ पे नहीं गिरा था, बट एक साल पहले ना ये पेड़ गिर गया और रास्ते में ही गिर चुका है, तो इसलिए इधर आने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है हम लोग को, तो हम लोग जल्दी आते नहीं हैं। और हर जो मतलब बैर इसमें तो बहुत सारा है, हम आप लोगों को बता चुके, बट हर साल ना जो सारा बैर का पेड़ है ना, सारे बैर का जो स्वाद है वो सारे अलग अलग है, सारे अलग अलग। और गाइस, हम इसलिए ना बैर खाने आए हैं क्योंकि कल है महाशिवरात्रि, और कल इसमें ना एक भी बैर नहीं बचने वाला है, एक भी, कहीं भी हो सारे कल ना तोड़ के लेके चले जाएंगे। और बहुत लोग आते हैं, बहुत ज्यादा ही, क्या बताएं आप लोग, मतलब बैर एक भी नहीं बचता है। हम ना हर साल देखे हैं, कल शिवरात्रि मतलब लोग पूजा करने भी आएंगे और ऐसे भी आते हैं, मतलब छोटा सा एरिया है और सबको पता है कि इसमें बैर है, और सारे लोग आते हैं फिर सारे तोड़ के लेके चले जाते हैं। तो इसीलिए हम सोचे ना कि कल नहीं मिलने वाला है बैर खाने के लिए, पहले ही आज टेस्ट कर लेते हैं। और इसमें का बैर खाए हुए ना बहुत दिन हो गया हमें, पर ना आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं। इधर से देखिए, वो रहा मंदिर छोटा वाला यहाँ पे, और इधर आप लोग को दिखाते हैं, इधर ना जल्दी आप लोग को दिखाए नहीं है हम अच्छे से। और यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे ना पेड़ ऐसे नहीं था, मतलब ये बबूल का काट है और ये यहाँ से गिरा है। एक बार इधर से दिखाते हैं आप लोग, ये देखिए इतना बड़ा पेड़ है, यहां से ना यहां से गिरा है, यहां से देखिए, और पूरा एरिया ना छेक लिया है, बहुत बड़ा था, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। पहले हम लोग ना इधर से जाते थे बैर खाने के लिए, बट पेड़ गिरा है ना तब से ये कवर कर लिया पूरा जगह, तो इसीलिए हम लोग अब इधर से जाते हैं। और इधर आने से मतलब हम लोग पीछे आ जाते हैं, तो हमें बैर भी नहीं अच्छे से दिख पाता है कि कहाँ पे बैर है। और यहाँ पे दिख रहा है, बट हमें जाना पड़ेगा बाहर, और बाहर कांट तो बहुत सारा, इधर इधर से निकल के देखते हैं। और ये देखिए, अभी ना आप लोगों को बैर दिखाते हैं। अभी ये बचा हुआ है किस लिए पता है? ये पेड़ गिर गया ना इसलिए, वरना ना इसमें का ना पहले सारे खत्म हो जा रहे थे बैर। और ये पूरा अभी बैर बचा हुआ है जब से ये पेड़ गिरा है तब से। और यहाँ पे ना तीन तीन है, मतलब बैर का पेड़ तीन है इधर, इसीलिए पूरा अभी बैर बचा हुआ है इसमें का। देखिए कितना ज्यादा दिख रहा है, आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं। ये देखिए सारा बैर बचा हुआ है, तभी हम आ चुके हैं घर से बाहर। और आप लोगों को पता है बहुत तगड़ी वाली धूप लग रही है, ऐसा लग रहा है ना पूरा इतना तगड़ा वाला धूप लग रहा है अभी के टाइम पे। अभी तो पूरा गर्मी बाकी है, अभी सोचिए कि कौन मतलब पूरा हालत धूप में, इसीलिए ना अभी पेड़ के पास हम खड़े हैं, और अभी हवा भी मतलब बंद हो गया, और यहाँ तक ले गर्मी लग रही है मेरे को। अब हम आए थे थोड़ा सा घूमने बाहर, बिना मंदिर के पीछे बहुत सारे लड़के हैं,
पता है क्या कर रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं। उन्हीं के चलते ना हम बाहर निकले हैं देखने के लिए। अभी चलते हैं घर पे। और गाइस आप लोग एक चीज देखा है, इतना छोटा पिल्लू है और उसमें ना मकड़ी जो होती है ना वैसा पैर है, फिर उनका पंख है और बहुत पतला है। और आप लोगों को दिखा रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं पता चला कि मकड़ी है कि पिल्लू है कि जोड़ने वाली तितली बोला जाता है। और चार पैर, चार है सॉरी नहीं पांच है, पांच। और वहाँ पे ना ये देखिए पंख है यहाँ पे उड़ने वाला और फेस मुंह उधर है। और शरीर पता नहीं बहुत पतला है। इधर देखिए और सूखा पेड़ है ये और इसी पे बैठी। बज रही है 4:30 और अभी ना सो के आ रहे हैं। और पता नहीं कैसे बेड पे सोते ही ना नींद लग जाता है। और अभी हो रही है, हमें लगा है कि सारे बेर कल टूटेंगे बट आज ना सारे टूटना स्टार्ट हो गए। और काफी लोग आए हैं बेलपत्र तोड़ने के लिए और बेर, क्योंकि कल ना काफी चीज मतलब चाहिए चढ़ाने के लिए, तो वही लेकर जा रहे तोड़कर। और अभी भी देखिए धूप क्या लग रही है, मस्त वाली। बट दोपहर में अभी भी लग रही है बहुत तेज वाली, बट हम सो के आ रहे ना इसीलिए अभी भी पूरे दिन घर में बैठे हुए थे। अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है बाहर निकलना।